हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव मोशन, है ना। तो रिलेटिव मोशन में पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने क्या देखा था कि ओवरटेकिंग प्रॉब्लम, और क्या था दूसरा प्रॉब्लम, क्या था कोलिजन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है पीछे से मूव कर रहा है, और दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द कंडीशन सो द ऑब्जेक्ट विल बोथ ऑब्जेक्ट विल कोलाइड और नॉट कोलाइड। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोनों चीजें कि नहीं, व्हाट शुड बी द कंडीशन, व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट सो दैट बोथ ऑब्जेक्ट विल नॉट कोलाइड। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को कभी कैच नहीं कर सके, है ना। तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आज जैसे एक एग्जाम्पल देखो कि पहले हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, क्योंकि देखो क्या है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड क्या होगा एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, से देखो इसमें कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ये पॉइंट पी और ये क्या है पॉइंट क्यू है, इनके बीच सेपरेशन क्या दिया हुआ है डी दिया हुआ, ठीक है। और ये इधर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है वी वन वेलोसिटी से, और दूसरा ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है क्या है वी टू वेलोसिटी से, ठीक है। क्या है ये फिगर फर्स्ट हो गया, दूसरा फिगर क्या है देखो यहां, इसमें ये हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है ये पी और क्यू ये इधर मूव कर रहा है इधर एक दूसरे वी वन वी टू वेलोसिटी से, और ये इधर मूव कर रहा है क्या है वी वन वेलोसिटी से, इस इधर क्या हो रहा है डी वन, इनके बीच सेपरेशन क्या है हमें डी मान, ये फिगर क्या हो गया बी हो गया। इस केस में क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट, यहां टाइप वन देख सकते हो, इसमें टाइप केस फर्स्ट में क्या होगा व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग सेम लाइन, ठीक है, एक केस हुआ। तीसरा केस देखो, ये फर्स्ट केस है, दूसरा ये हुआ, तीसरा देखो ये हुआ, तीसरा क्या है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये भी वन इनिशियल सेपरेशन उनके बीच क्या है डी है, ठीक है, ये पी और दूसरा क्या हुआ क्यू, ये फिगर क्या हो गया सी हो। अब देखो क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच टाइम के साथ डिस्टेंस क्या होगा डिक्रीज होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक दूसरे को क्या कर रहा है अप्रोच कर रहे हैं, और जब क्या होगा कि डिस्टेंस क्या होगा टाइम के साथ डिक्रीज होगा, तो हम क्या बोल रहे हैं बोलेंगे कि वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम अप्रोच का मतलब क्या होता है और सेपरेशन का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो अप्रोच का मतलब क्या होगा, देखो अप्रोच व्हेन क्या होगा व्हेन सेपरेशन बिटवीन क्या होगा टू ऑब्जेक्ट्स डिक्रीजेस विथ टाइम, देन वी कैन सी दैट बोथ ऑब्जेक्ट्स आर अप्रोचिंग ईच अदर,
ठीक है। सेपरेशन का मतलब क्या होगा ये आपको मालूम, तो ये क्या होगा, अब इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है ये बताता हूं। इसको हम क्या लिखेंगे, द वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी बाई विच वन ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। तो जब क्या होगा, आई मीन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में क्या होगा कि उनके बीच क्या होगा, सेपरेशन जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, सेपरेशन जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और जिस वेलोसिटी से वन ऑब्जेक्ट दूसरे के क्लोज आएगा उस रिलेटिव वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। जैसे इस फिगर में देखो क्या है, फिगर बी में देखो, है ना, फिगर बी में यहां देखो क्या है, इन फिगर बी, जैसे एक एग्जांपल, इन फिगर बी सेपरेशन बिटवीन क्या होगा, बोथ ऑब्जेक्ट पी एंड क्यू डिक्रीजेस डिक्रीजेस विथ टाइम, हेंस They are, hence क्या होगा, they are approaching each other, ठीक है। अब देखो velocity of approach जब भी क्या होगा लिखना है, मैंने देखो यहां ध्यान से कि x axis plus मान लेना, ठीक है। तो इधर यदि plus i cap होगा तो इसके opposite direction में क्या होगा, minus है। अब हम लिखे हैं कि किस अप्रोच से, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पी माइनस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, यही होगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, जिस रिलेटिव वेलोसिटी से क्या है एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, अप्रोच। और यदि आप यहां लिखना चाहें, देखो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, v1 आई कैप माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ v2 माइनस आई कैप, और ये क्या हो जाएगा, v1 प्लस क्या हो जाएगा, v2 आई कैप हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। उसी तरह देखो यहां से यदि बी पॉइंट में देखोगे तो ये डिपेंड करता है कि वीबी क्या होगा, यदि v2 क्या होगा, v1 से ज्यादा हो जाए, है ना, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी कभी एक दूसरे क्लोज नहीं आ सकते, इनके बीच सेपरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फिगर फर्स्ट में क्या होगा कि अप्रोच तभी हो सकता है, यहां मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, कि किस फर्स्ट में क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो हम वहां लिखेंगे इन फिगर बी ए, यदि मैं मान लूं कि v1 इज ग्रेटर देन क्या है v2,
तो उस केस में भी क्या होगा, इन दिस केस मैंने ये मान लिया, इन दिस केस क्या होगा, सेपरेशन क्या हो रहा है, सेपरेशन इज डिक्रीजिंग विथ क्या होगा, विथ टाइम, हेंस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ, इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी वन या वी, ठीक है, वी पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, वी पी माइनस क्या हो जाएगा, वी क्यू, और यहां लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे, वी वन आई कैप माइनस वी टू क्या होगा, आई कैप, एंड दिस इज क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू क्या होगा, वी वन माइनस वी टू इंटू क्या हो जाएगा, आई कैप, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ, ये भी पूछा जा सकता है कि कितने टाइप के बाद अगेन क्या होंगे, कोलाइड होंगे, तो हम यहां से इससे भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कल बताया भी था। दूसरा इसमें केस क्या होगा कि सेकंड जो मतलब केस है क्या है कि वेलोसिटी ऑफ क्या है, सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में देखोगे, सेपरेशन में हम क्या देखेंगे कि जब क्या होगा, व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन both objects are, yeah, distance between, ऐसे लिख लो, distance between both objects are increases with time, then we can say that they are separating from each other. ठीक है, और वेलोसिटी बाय विच रिलेटिव वेलोसिटी बाय विच दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर each other is called velocity of separation. velocity of separation, ठीक है। उस केस में क्या होगा, आप जिसे मान लो कि क्या है, फिगर सेकंड में देख लो, फिगर सेकंड एंड इन फिगर जिसे एक एग्जाम्पल देखो क्या है, फिगर सी में क्या है, देखोगे कि क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू आर इंक्रीजिंग विथ क्या होगा, विथ टाइम, हेंस देयर इज ए क्या होगा, देयर इज सेपरेशन बिटवीन क्या होगा, और जिस वेलोसिटी से, रिलेटिव वेलोसिटी से, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी पी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी पी माइनस क्या हो जाएगा, वी क्यू, और यहां वी क्यू देखो माइनस वी वन आई कैप, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, अब क्या हो जाएगा, माइनस वी टू क्या हो जाएगा, आई कैप, ये क्या हो जाएगा, वी पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ वी वन प्लस वी टू इंटू क्या हो जाएगा, आई कैप,
आई मीन इस रिलेटिव वेलोसिटी से क्या होगा, पी जो होगा क्यू के रिस्पेक्ट में किधर मूव करेगा, लेफ्ट मूव। तो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। आई मीन इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन तो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो स्ट्रेट लाइन में जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। कोई भी आपको यदि डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट कर, आई मीन टाइम वगैरह कुछ भी कैलकुलेट करना है तो मैग्नीट्यूड दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा, आप देख सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा दोनों केस में। आपसे मैं बोलूं कि सी केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखो या क्या लिखो, अप्रोच लिखो, तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा क्या होगा, वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज यहां नोट में लिख लेना है कि व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, सेम होगा। देन क्या होगा, देन देखो, देन हम बोल सकते हैं, व्हेन नोट में लिख लेना है, व्हेन बोथ पार्टिकल्स, बोथ पार्टिकल्स आर मूविंग मूविंग अलोंग ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन विल बी क्या होगा, विल बी सेम। ठीक है, अब इस यही क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और क्या होता है वेलोसिटी। अब दूसरा इसमें जो टाइप है ये इंपॉर्टेंट है, टाइप क्या होगा, टाइप टू, व्हेन द पार्टिकल इज नॉट मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो व्हेन क्या होगा, व्हेन व्हेन पार्टिकल्स, व्हेन टू पार्टिकल्स, व्हेन टू पार्टिकल्स are not moving along a same straight line. इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे देखो यहां केस ए हो गया, ये मान लो इधर ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इधर ये क्या है, यहां भी पूछा जा सकता है कि क्या ये कोलाइड होंगे क्या, यही मैं बता देता हूं आपको सारा पॉइंट बीटा। ठीक है, क्या होगा, ये इनके बीच सेपरेशन क्या है, d है, देखो रिलेटिव, जब भी रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसमें मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में मान लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं। ठीक है, तो देखो यहां क्या है, ये क्या है, देखो ये ऐसे मूव कर रहे हैं, ये फिगर क्या हो गया, ये हो गया फिगर, ठीक है, दूसरा फिगर यहां हो सकता है, देखो इनके बीच इनिशियल सेपरेशन डी है, आई मीन टी इक्वल टू जीरो पे एक ऐसे ए वी वन वेलोसिटी से और इधर क्या है ए वी टू वेलोसिटी, ये अल्फा एंगल है, अगेन ये क्या है बीटा एंगल है, ये पी पॉइंट हो गया, आई मीन ए और ये क्या हो, बी दो पार्टिकल्स हैं, ए फिगर क्या हो गया, ठीक है, तीसरा फिगर क्या हो सकता है, अब देखो तीसरा ऐसे भी हो सकता है यार, इसमें तीसरा मैं बता रहा हूं, अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ
इस केस में जब भी आपसे पूछा जाए कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहां इस सारे केसेस मैंने बता दिए कि इसमें मैं लिख देता हूं ये क्या हुआ, एक ये पार्टिकल है, दूसरा क्या है बी है, और ये ऐसे मूव कर रहा है। ये एंगल क्या है अल्फा है, और ये एंगल क्या है बीटा है। ये वी वन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन ये वी टू वेलोसिटी से। इनके बीच इनिशियल सेपरेशन क्या है, डी है। अब मुझे मालूम नहीं है कि डी, इसमें हम कोलिजन वगैरह भी नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, केवल हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या होगा। ठीक है, ये वी टू हो गया। ये फिगर क्या होगा, फिगर सी हो गया। अब देखो उसके बाद एक और फिगर देख लो, ये पार्टिकल ये है, ये पार्टिकल क्या है बी है, ये ऐसे मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से कुछ एंगल अल्फा पे, और ये क्या है ऐसे मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से। ठीक है, ये बीटा एंगल पे। अगेन इनिशियली इनके बीच सेपरेशन जो क्या है वो डी दिया हुआ। ठीक है, ये बी पार्टिकल। ये फिगर क्या हो गया। अब आपसे जब भी पूछा जाए कि वाइल कैलकुलेटिंग, दो पॉइंट याद रखना है, क्या है कि सबसे पहले क्या है, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, क्या है कि दिस इज द लाइन, क्या होगा लाइन, है ना, लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल पी एंड ई, एंड क्या है बी, ये भी क्या है लाइन ज्वाइनिंग, ये सब क्या है लाइन ज्वाइनिंग, है ना, लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल्स ए एंड, हमने क्या मान लिया ए एंड बी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जब भी रिलेटिव इस केस में जब क्या है, यहां पार्टिकल जो है सेम लाइन के अलोंग नहीं मूव कर रहे हैं, तो इस केस में आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम क्या है, इनिशियली ज्वाइन द क्या है टू पार्टिकल्स, इनिशियली ज्वाइन द टू पार्टिकल्स बाई ए लाइन। उसके बाद क्या करना है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, क्या करना है उनको जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके अलोंग क्या करना है आपको, कंपोनेंट इस वेलोसिटी का क्या करना है, रिजॉल्व कर देना है। पहला तो स्टेप वाइज मैं बताते जाता हूं, ठीक है, कि इस केस में हम क्या करेंगे, समझ में आना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट, है ना, इसमें मेथड मैं बता देता हूं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, आई मीन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड क्या होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो यहां क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, फाइंड फर्स्ट क्या है, पहला स्टेप क्या है, ज्वाइन द बोथ पार्टिकल्स ए एंड बी बाय ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या करना है, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, उसके बाद फाइंड द कंपोनेंट ऑफ, फाइंड क्या है सेकेंड स्टेप में क्या है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ their velocity along the line, इसको हम क्या बोलेंगे, v parallel बोलेंगे, parallel component। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, parallel along the line and perpendicular, इसको v perpendicular बोलेंगे।
टू द लाइन ज्वाइनिंग देम। ठीक है, अब देखो इस केस में, अब मैं लिखते जाता हूं, देखो फिगर फिगर ए में, फिगर ए में क्या होगा, V1, ठीक है, V1 इधर मैं लिख रहा हूं, V1 पैरेलल इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो इसके अलावा क्या हो जाएगा, V1 cos अल्फा, V1 परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, V1 sin अल्फा। ठीक है, सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, VB आई मीन V2 पैरेलल इज इक्वल टू क्या होगा, VB cos अल्फा और V2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा, V1 cos बीटा है, सॉरी cos बीटा sin बीटा। ठीक है, इस केस में आप देखोगे क्या है, इस केस में देखोगे आई मीन इस केस में फिगर सेकंड में, तो देखो फिगर क्या है, फिगर बी में हम लिख सकते हैं क्या होगा, फिगर बी में क्या होगा, देखो V1 अगेन पैरेलल इज इक्वल टू, देखो V1 पैरेलल इक्वल टू क्या होगा, V1 cos अल्फा, ठीक है ना, और V1 अगेन परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 sin अल्फा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं V2, देखो मैं साइन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, बाद में यूनिट वेक्टर के टर्म में हम लिखेंगे, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं, देखो यहां स्ट्रेट लाइन के अलोंग यदि हमको ये सोचना है तो हम क्या कर सकते हैं कि कंपोनेंट भी यदि इसको हम एक्स एक्सिस मान लें, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इधर जो कंपोनेंट होगा उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, देखो हम यहां ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको हमने मान लिया वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो यदि अब जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, आई मीन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट जो कंपोनेंट होगा पॉजिटिव होगा, लेफ्ट कंपोनेंट निगेटिव होगा, डाउन कंपोनेंट क्या होगा, निगेटिव होगा, तो हम ऐसे भी यहां सोच सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां, तो यहां हम क्या लिखेंगे, देखो हमने ए डायरेक्शन में पॉजिटिव और पॉजिटिव मान लिया, तो इस केस में देखो इस केस में क्या है, फिगर फर्स्ट में ये दोनों पॉजिटिव हो गए, फिगर सेकेंड में आप देखोगे है ना, तो यहां इधर लिख देते हैं, इधर देखो ये क्या हो जाएगा, V2 is equal to क्या हो जाएगा, देखो V2 parallel component क्या हो जाएगा, minus V2 cos beta और perpendicular component क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V2 sin beta। उसी तरह हम इस तीनों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, component find out कर, अब क्या करना है कि आपको क्या करना है, find relative velocity of the component, relative velocity of the component along the क्या होगा, length along the line joining two particles। तो इसको मैं इधर लिख देता हूं, बाद में फिर हम आएंगे। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप ही हो गया, उसी तरह आप बी सी में लिख सकते हो अब। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप है, थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड फाइंड रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट कंपोनेंट अलोंग, या फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल्स। This relative velocity is called velocity of separation velocity of separation or velocity of approach, वो depend करता है, ठीक है, क्या होगा, वो depend करेगा
कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को है डिपेंडेंट, केस डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब देखो यहां बस ये बात समझने, अब हम वन बाई वन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि पहले केस में हमने क्या बताया। यहां कोलिजन भी यहां से हम पढ़ते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है वो कोलाइड होगा या नहीं, तो उसको हम कैसे सोचेंगे। तो देखो यहां ये बात समझ में आई। अब हम क्या देखेंगे, जिससे फिगर फर्स्ट में था, देखो यहां से फिगर फर्स्ट में क्या था, यही था एक पार्टिकल ये है, ये वी वन वेलोसिटी से यहां है पार्टिकल, और दूसरा पार्टिकल ये है, ये बी और ये एंगल बीटा है, इनके बीच क्या है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड वेलोसिटी अब क्या होगा, अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। इस केस में सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि क्या करो, देखो इनको क्या करो, देखो इनके अलोंग देखो ये क्या हुआ, v1 पैरेलल इक्वल टू क्या हो गया v1 cos अल्फा, इधर देखो तो ये क्या हो गया तुम्हारा v2 पैरेलल इक्वल टू क्या होगा cos बीटा, ये ए हो गया और दिस इज बी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखो यही होगा, अरे परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ना, ठीक है, क्या होगा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। अब देखो यहां क्या है कि अभी क्या हुआ v1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा v1 साइन अल्फा, और दिस इज क्या होगा v2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा v2 साइन बीटा। मुझे सबसे पहले अब एक पैरेलल इस कंपोनेंट का क्या करना है रिलेटिव, तो यहां हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ क्या होगा अप्रोच, अभी मुझे मालूम नहीं है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कोई पूछे तो क्या लिखोगे, v1 पैरेलल माइनस क्या हो जाएगा v2 पैरेलल, तो ये कितना हो जाएगा देखो v1 cos अल्फा माइनस क्या हो जाएगा v2 cos अल्फा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अभी आपको मालूम है कि ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा कंपोनेंट, यदि v2 क्या होगा v1 से क्या होगा ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स इसको हम क्या बोलेंगे, ऑफकोर्स क्या हो जाएगा निगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर वेलोसिटी ऑफ क्या हो रहा है सेपरेशन हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा ये पीछे जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या निकाला, ये वेलोसिटी ऑफ क्या होगा 1 वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग क्या होगा वेलोसिटी, इसको हम क्या बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को क्या बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अलोंग क्या होगा लाइन ज्वाइनिंग देम, दिस इज कॉल्ड क्या होगा रिलेटिव, इसको हम क्या पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या होगा ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा बी अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग ए बी विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा अलोंग ए बी, ये समझ में आए बात। तो ऐसे हम क्या करते हैं, यहां देखोगे अब देखो ये हो सकता है कोलाइड हो या नहीं हो, कोलाइड होने के लिए एक ही कंडीशन है कि दोनों कोई पूछे कि कोलाइड हो सकता है या नहीं, तो ऑब्वियसली इस केस में क्या होगा कि यदि दोनों का कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए वाला वेलोसिटी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, यदि क्या होना चाहिए कि इनका लाइन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए इसी के अलोंग होना चाहिए, ठीक है, उनके उन दोनों पार्टिकल को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी के अलोंग क्या होना चाहिए होना चाहिए, तभी क्या होगा कोलाइड होगा। तो यहां फॉर कोलिजन वेन क्या होगा वेन बोथ ऑब्जेक्ट या बोथ पार्टिकल विल क्या होगा विल कोलाइड इफ क्या होगा इफ v1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा v2 परपेंडिकुलर, एंड देखो यहां ऐसे ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों कंपोनेंट सेम हो जाते हैं कोलाइड हो जाएंगे, यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि v1 cos अल्फा ऑफ कोर्स ए वाला वेलोसिटी देखो तो ए परपेंडिकुलर सेम हो गया है ए और ए सेम हो गया,
तो ए और ए दोनों सेम हो जाएंगे, यदि क्या हो जाएगा V1 cos अल्फा V2 cos बीटा से क्या होगा ज्यादा होगा, तभी क्या होगा इनके बीच क्या होगा सेपरेशन क्या होगा कम होगा और तभी क्या होंगे कोलाइड होंगे। तो इस केस में आपसे कोई पूछे कि व्हाट शुड बी द कंडीशन सो दैट क्या होगा बोथ द पार्टिकल्स विल कोलाइड, तो क्या हो सकता है कि सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देम मस्ट बी क्या होना चाहिए सेम। सेकेंड केस क्या होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग द क्या होना चाहिए लाइन ज्वाइनिंग देम मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। तो एक फर्स्ट कंडीशन हुआ, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए इसको हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तभी बोल सकते हैं जब V1 cos अल्फा क्या हो जाएगा V2 cos अल्फा सॉरी cos बीटा से क्या होगा बड़ा होगा, ये ध्यान देना है। तो हम बोल सकते हैं एंड क्या होगा V1 cos अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होगा V2 cos बीटा, ही ध्यान आपको देना है। समझ में आना, एक कंडीशन होता है कि कोलिजन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो आप यहां से क्या कर सकते हो लिख सकते हो। ठीक है, इधर आई थिंक दिख नहीं रहा है ना, इधर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां वैसे ही आप सबके लिए लिख सकते हो, है ना। तो देखो यहां मैं लिख देता हूं बोथ द पार्टिकल्स विल क्या होगा कोलाइड, यहां लिख देता हूं कि फिगर वन में, ये फिगर वन है, क्या होगा बोथ पार्टिकल्स विल क्या होगा विल कोलाइड इफ क्या होगा इफ V1 perpendicular इज इक्वल टू क्या होगा V2 perpendicular, क्या होगा V1 साइन अल्फा इज इक्वल टू V2 साइन बीटा एंड क्या होना चाहिए V1 cos अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए V2 cos बीटा। ये फर्स्ट केस है। ठीक है, कितने टाइम में कोलाइड हो जाएगा ये भी, यदि ये पॉसिबल है तो कितने टाइम में कोलाइड हो जाएगा उस भी हम उसको भी कैलकुलेट कर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टाइम क्या होगा इस केस में टाइम आफ्टर विच बोथ विल कोलाइड। देखो क्या सिंपल है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमने क्या माना है V1 V2 क्या है कांस्टेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो डिस्टेंस डी रिलेटिव इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको हम क्या बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पैरेलल डिवाइडेड बाई क्या होगा, नहीं हमने गलत लिख दिया क्या, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा डी रिलेटिव इनिशियल सेपरेशन डिवाइडेड बाई क्या होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा देखो तो डी अपॉन क्या हो जाएगा V1 cos अल्फा माइनस क्या हो जाएगा V2 cos बीटा। इतने टाइम के बाद क्या हो जाएंगे वो कोलाइड हो जाएंगे। समझ में आया क्या, इतने टाइम के बाद क्या हो जाएंगे कोलाइड हो जाएंगे। दूसरा एक इसमें और तरीका होता है कि यदि क्या होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन क्या, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, नोट में एक ऐसे भी सोच सकते हैं। देखो हमने कैसे लिखा कि आप देखो यदि क्या हो जाए ये वाला जो ए पार्टिकल है वो बी के तरफ क्या होना चाहिए, इसका बी के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, बी के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी किधर होना चाहिए ए बी के अलोंग होना चाहिए। तो हम यहां एक नोट में और भी पॉइंट लिख सकते हैं कि इफ ऐसे सोचने के लिए कि इफ पार्टिकल ए एंड क्या होगा ए एंड बी विल कोलाइड इफ वी ए बी इज ऑलवेज डायरेक्टेड along AB। समझ में आया ना, हमेशा क्या होगा इसी के along directed होगा, तभी क्या होगा collision possible है और नहीं है। ये possibility है कि collision किस केस में possible हो सकता है और नहीं हो सकता है। Second केस में देखो, यहां मैंने second केस बताया था, तो इसमें क्या हो सकता है velocity of approach भी हो सकता है और क्या हो सकता है velocity of
सेपरेशन भी हो सकता है, वो केस डिपेंडेंट है। दूसरा केस हमने ये कंसीडर किया था फिगर बी में, देखो फिगर बी हमने क्या कंसीडर किया था कि डी सेपरेशन है। मैंने ये बताया कि जब भी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच लिखने के लिए आपसे कोई बोले तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए कि जब कुछ एंगल पे मूव कर रहे हो दोनों, तो क्या करो उनके वेलोसिटी को, उन दो पॉइंट दो पार्टिकल को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उनके अलोंग रिजल्व कर दो और फिर उनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। वही क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और क्या होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। ठीक है, वही क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। तो यहां देखो ये क्या हुआ, यहां पार्टिकल ए इधर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है थीटा अल्फा एंगल पे, और बी जो है वो क्या है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी बी से इधर मूव कर रहा है कितने बीटा एंगल पे। अब देखो यहां ऑब्वियसली क्या होगा, इनके बीच यदि सेपरेशन क्या दिया हुआ हो डी दिया हुआ। ठीक है, अब ये मैंने कैसे लिखा, ये डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन तुम अपने से भी इसको सोच सकते हो जो मेथड मैंने बताया था कि एक जो होगा क्या होगा यहां से एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा है तो दूसरे को कितना मूव करना चाहिए डी प्लस एक्स, तभी क्या होगा वो कोलाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां देखो अब यदि ये पॉसिबल नहीं है तो कोलिजन नहीं हो सकता। अब यहां देखो यहां यहां देखोगे तो क्या हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट वी वन पैरेलल इज इक्वल टू क्या होगा वी वन कॉस अल्फा, इधर पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा वी टू पैरेलल इज इक्वल टू क्या होगा वी टू कॉस बीटा, यहां यही क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी वन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा वी वन साइन अल्फा, और इधर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा वी वन वी टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा वी टू साइन बीटा। आपसे कोई पूछे देखो यहां दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं इसके वजह से देखो एक वाला कंपोनेंट इधर है ये अलग। ठीक है, इस केस में आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखो तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू क्या होगा वी वन पैरेलल, ठीक है माइनस क्या हो जाएगा देखो ये माइनस हो जाएगा है ना, क्योंकि माइनस वी टू क्या हो जाएगा पैरेलल। अब इधर है ना ये कंपोनेंट इधर है, मैंने इधर को पॉजिटिव माना ये निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा वी वन कॉस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा वी टू कॉस बीटा, तो ये आपका क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि कितने अब कंडीशन क्या होना चाहिए पहले, तो कंडीशन फॉर कोलिजन पहला कंडीशन क्या होना चाहिए सबसे की क्या होना चाहिए, अभी मैंने लिखा था कि पार्टिकल ए एंड बी विल कोलाइड इफ ए बी वी ए बी इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग ए बी, तो यहां क्या लिख सकते हैं कि पार्टिकल पार्टिकल ए एंड क्या होगा ए एंड बी विल कोलाइड इफ क्या होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए है ना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि भी क्या होगा वी वन परपेंडिकुलर मस्ट भी क्या होना चाहिए वी टू परपेंडिकुलर एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा वी वन साइन अल्फा इज इक्वल टू वी टू साइन बीटा। ठीक है, अब कितने टाइम के बाद कोलाइड, यहां तो कोलिजन होगा यार, यदि केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट इक्वल हो जाते हैं तो एक दूसरे की तरफ अप्रोच ही कर रहे हैं तो यहां कोलिजन पॉसिबल है, तो ये पूछा जाए कितने टाइम के में कोलाइड होंगे, तो क्या होगा कि टी इज इक्वल टू क्या होगा इनिशियल सेपरेशन डी अपॉन क्या होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये कितना हो जाएगा डी अपॉन वी वन कॉस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा वी टू कॉस बीटा, इतने टाइम के बाद क्या हो जाएगा वो कोलाइड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इतने टाइम के बाद क्या हो जाएंगे वो कोलाइड हो जाएंगे। उसके बाद ठीक है थर्ड केस क्या था, थर्ड केस में पूछा जाएगा कि क्या कोलिजन पॉसिबल है क्या, देखो ध्यान से थर्ड केस क्या है केस फिगर क्या है फिगर सी, इसमें क्या था आई थिंक ऐसे था ये वी वन वेलोसिटी पार्टिकल ए है और
अगेन देखो यहां कंपोनेंट तुम रिजल्व करोगे तो इधर ये पैरेलल हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा देखो v2 sin बीटा और इधर क्या हो जाएगा v1 सॉरी v2 cos बीटा, इधर क्या हो जाएगा देखो v1 cos अल्फा और ये क्या हो जाएगा v1 sin अल्फा, यही होगा ना यार परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इनके बीच सेपरेशन क्या दिया है। अब ये कंपोनेंट तुमको आना चाहिए, तो यहां तुम बताओ पहले तो हम यदि यहां क्या लिख सकते हैं, यहां वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कुछ भी हो सकता है, तो हम पहले भी चलो यहां वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिख लेते हैं। सेपरेशन लिखना तो दिस माइनस दिस लिखना ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे वी बी पैरल माइनस क्या लिखेंगे वी ए पैरल, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है, तो ये क्या लिखेंगे यहां देखो वी टू कॉस बीटा माइनस क्या हो जाएगा वी वन ठीक है कॉस अल्फा, ऐसे लिखेंगे। यदि तुमसे कोई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखो तो ऐसे लिखेंगे वेलोसिटी, क्योंकि ए इसको देखो बी को कौन अप्रोच कर रहा है, ए कर रहा है, ए तो बी से दूर जा रहा है ना, तो ए जिस बी ए के रिस्पेक्ट में जिस रिलेटिव वेलोसिटी से क्या होगा अभी जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू क्या होगा यहां लिखेंगे देखो वी वन पैरेलल माइनस क्या लिखेंगे वी टू पैरेलल। अब यहां देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां हम लिखेंगे क्या लिखेंगे वी वन कॉस अल्फा माइनस क्या हो जाएगा वी टू कॉस बीटा। ये वेलोसिटी अब क्या हुआ तुम्हारा अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों पॉसिबल है। अब कौन बड़ा है, यदि वी टू कॉस बीटा वी वन कॉस अल्फा से क्या है बड़ा है, तो ऑफकोर्स क्या होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा, तो कभी नहीं मिल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के केस में ही क्या होगा, पार्टिकल जो है एक दूसरे से मिल सकते हैं, कोलिजन हो सकता है। जब भी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा तो मीटिंग पॉइंट संभव नहीं है, ये आप लोग मालूम। अब ये क्या इस सिचुएशन में क्या दोनों कोलाइड हो सकते हैं क्या, इस केस में यदि कोलाइड हो सकते हैं तो व्हाट शुड बी द कंडीशन, क्या होगा इस सिचुएशन में यदि दोनों कोलाइड होंगे तो क्या इस सिचुएशन में पॉसिबल है क्या कि दोनों कोलाइड होंगे, यार बता सकते हो तुम कि दोनों कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे। चलो थोड़ा सोचना, ये होमवर्क बताता हूं तुम लोगों को कि वेदर बोथ द पार्टिकल विल कोलाइड और नॉट, आपको ये क्या करना है बताना है। फिगर सी और क्या है फिगर डी, और कोलाइड होगा तो कितने टाइम के बाद क्या होगा कोलिजन होगा, ये बात समझ में आया कि वेदर ए एंड बी विल कोलाइड और नॉट, तो ये होमवर्क लिखना इसमें भी और इसमें भी। फिगर क्या है फिगर डी में भी मैं बता रहा हूं तुमको क्या है फिगर डी में, शायद ऐसे क्वेश्चन था यहां ये अल्फा ये वी वन वेलोसिटी हुआ और दिस इज बी टू और ये बीटा, ये क्या है ए दिस इज बी, इनके बीच सेपरेशन क्या दिया हुआ है डी दिया हुआ ठीक है। तो यहां भी आपको क्या करना है, यहां वेलोसिटी ऑफ फाइन राइट डाउन, देखो यहां वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा क्योंकि जब क्या होगा ए एंड बी के अलोंग दोनों का वेलोसिटी, दोनों के वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा एक दूसरे के तरफ होगा तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, जब एक दूसरे के अवे होगा तो क्या हो सकता है दोनों केस क्या होगा पॉसिबल हो सकता है। तो यहां मैं बताता हूं फाइंड वेलोसिटी ऑफ क्या होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पहला पॉइंट है, सेकंड में क्या है वेदर वेदर इन वेदर इन फिगर बी इन फिगर बी एंड फिगर सी बोथ पार्टिकल ए एंड बी विल कोलाइड कोलाइड और नॉट इफ दे कोलाइड देन फाइंड द क्या होगा फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन, फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन आई मीन टाइम ऑफ कोलिजन का मतलब क्या होगा कितने टाइम के बाद क्या होंगे कोलाइड होंगे, क्या होगा कितने टाइम के बाद दोनों जो ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे कोलाइड करेंगे ठीक है।
तो ये रहा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड इसका यूज करके हम न्यूमेरिकल्स क्या है सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिससे क्वेश्चंस मैं देता हूं तुम लोगों को होमवर्क, इसको ट्राई करना और मैं बताऊंगा। ये टेस्ट में भी शायद पूछा गया था कि देखो इस पे, इसी पे बेस्ड है। और मैंने बताया भी था, एक तो मेथड मैंने बताया था कि यहां देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए ए बी सी। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पे तीन पार्टिकल्स हैं, है ना, ऑफकोर्स तीन ही वर्टेक्स है। तो एक पार्टिकल जो है इधर ये वी वेलोसिटी से इधर, वी वेलोसिटी से इधर, और तीसरा क्या है वी वेलोसिटी से इधर, आई मीन एक दूसरे को, और यही क्या है सेंटर है। तो इन द क्या है एट ए टी इक्वल टू जीरो पे वो मूव करना शुरू किए। तो इन थ्री पार्टिकल्स क्या है, क्वेश्चन क्या है, थ्री पार्टिकल्स आर situated at the vertex of an equilateral triangle. ये अच्छी बार में क्वेश्चन, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ ए। Three particles are situated at the vertex of an equilateral triangle of side length A as shown in the figure, ठीक है। Now at t equal to zero, they start स्टार्ट कैचिंग ईच अदर इन सच ए वे दैट वन इज फॉलोइंग अदर, वन इज मूविंग ऑलवेज। क्या होगा, अब ये देखो ये क्या है, तीनों वर्टेक्स पे इस तरह मूव कर रहे हैं, टी इक्वल टू जीरो से वी वेलोसिटी से मूव करना। अब इस तरह मूव कर रहे हैं, क्या होगा कि वन इज ऑलवेज रनिंग बिहाइंड द अदर, तो इन सच ए वे दैट वन इज ऑलवेज, ऐसे बोल सकते हैं, ऑलवेज फॉलोइंग अदर। आई मीन वन जो है, जैसे ये क्या है, ए ऑलवेज बी को फॉलो कर रहा है, बी ऑलवेज सी को फॉलो कर रहा है, देन क्या होगा, देन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाद में स्क्वायर, उसके बाद रेगुलर पॉलीगन के लिए मैं बताऊंगा तुम लोगों को, फिर उसमें थीटा का डिफरेंट वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहां हम क्या बोल सकते हैं, देन वेयर, देन ए में क्या है, वेयर दे विल मीट, ठीक है, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा क्या है कि आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है, ये होमवर्क है, तुम लोग ट्राई करना। इवन एचसी वर्मा में क्या है सॉल्व दिया हुआ है, तो उसको भी रीड कर लेना एक बार, थोड़ा सा देख लेना यदि नहीं है, और ट्राई करना दोनों मेथड से। मैंने बताया था कि बोथ ऑल थ्री पार्टिकल्स विल बाइसिमेट्रिकली मीट एट द क्या होगा, सेंटर ऑफ द क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसको आप ट्राई करना नेक्स्ट क्लास में, और भी हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ओके, थैंक यू।